सोने के बालों वाली बहनों का जादू। बहुत समय पहले की बात है, रौनकपुर गांव में नीलिमा अपनी बहन काव्या के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। उसकी माँ कौशल्या जंगल से लकड़ियाँ काटकर उसे शहर में ले जाकर बेचा करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। कौशल्या ने लकड़ियाँ बेचकर अकेले ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया था। कौशल्या की दोनों बेटियाँ जब बहुत छोटी थी, तभी उसका पति परदेश कमाने का जाने का बोलकर हमेशा के लिए कौशल्या और अपनी दोनों मासूम बेटियों को अकेला छोड़कर चला गया था। तब से कौशल्या ने अकेले ही घर की बागडोर संभाल रखी थी। कौशल्या की दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी थी और कौशल्या वक्त की मार से उम्र से पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी। माँ का हाथ बटाने के लिए नीलिमा और काव्या गांव-गांव जाकर फूल बेचा करती थी। एक दिन, अरे बेटा, मैं जंगल लकड़ियां लाने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी, तब तक दोनों बहनें अपना ख्याल रखना। रुको माँ, खाना बन गया है, मैं जल्दी से खाना लगाती हूँ, आप खाना खाकर ही जाना। कौशल्या खाना खाकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलिमा और काव्या भी जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर फूल बेचने निकल जाती है। फूल ले लो, सुंदर सुंदर ताजे ताजे फूल ले लो। अरे काकी, आप तो मंदिर जा रही हो, बिना फूलों की भगवान की कैसे पूजा? ये लो, फूल लेकर जाओ। अरे बेटा, मैं तुमसे ये फूल नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे पास फूल खरीदने के पैसे नहीं हैं। काकी, तो क्या हुआ अगर आपके पास पैसे नहीं है तो? ये फूल लो और मंदिर जाओ, और देखना, भगवान आपकी सारी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे। जुग जुग जियो बेटी, सदा खुश रहो। काकी खुशी खुशी फूल लेकर मंदिर चली जाती है। पता नहीं ये नीलिमा की बच्ची अपने आप को क्या समझती है, जैसे कोई महारानी की बेटी हो। अरे नीलिमा, क्या जरूरत थी उसे फ्री में फूल देने की? अरे काव्या, तुमने देखा नहीं, थोड़े से फूल से ही काकी कितनी खुश हो गई। अरे पैसे तो हम और किसी से भी कमा लेंगे, लेकिन काकी बिना पैसों का जो इतना आशीर्वाद देकर गई है, वो दुनिया के किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है। हो, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है, कुछ कहो तो अपना ज्ञान का पिटारा खोलकर रख देती है। अरे घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और हम पैसा कमाने के लिए फूल बेचते हैं, ना कि आशीर्वाद कमाने के लिए, समझी? अब चल। नीलिमा बहुत ही दयालु और विनम्र स्वभाव की थी। वह मुसीबत में आए हर किसी की मदद किया करती थी। वही काव्या नीलिमा के इस दया भाव से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। इधर कौशल्या जंगल से लकड़ियां काटकर घर जाने वाली होती है कि तभी उसे जंगल में कुछ आवाजें सुनाई देती है। कौशल्या इधर उधर देखती है, शाम होने वाली है, अब ज्यादा देर जंगल में रुकना ठीक नहीं, मुझे जल्दी ही घर के लिए निकल जाना चाहिए। कौशल्या लकड़ियां उठाकर घर आने ही वाली होती है, तभी एक जख्मी हिरन भागता हुआ उसके पास आता है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। हिरन को देखकर कौशल्या कहती है, अरे ये हिरन तो बहुत ही ज्यादा घायल है, लगता है किसी ने इसे बहुत ही बेरहमी से इसका शिकार करते हुए इसे जख्मी कर दिया है। पता नहीं लोग अपने शौक पूरा करने के लिए इन मासूमों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, इसका तो बहुत खून बह रहा है। कौशल्या अपनी आंचल से कपड़ा फाड़कर उस हिरन के जख्मों पर बांध देती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। हिरन को देखकर कौशल्या की छोटी बेटी काव्या बोलती है, माँ आप इस हिरन को अपने साथ क्यों लेकर आई हो? माँ ये हिरन तो काफी ज्यादा घायल है। अरे हाँ माँ, इसका तो काफी ज्यादा खून निकल गया है। माँ आप यहीं रुको, मैं अभी हल्दी का लेप बनाकर इसकी पट्टी कर देती हूँ, इससे इस हिरन के जख्म जल्दी भर जाएंगे। अरे काव्या जा दौड़ कर पानी ले आ। मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हें लाना है तो खुद जाकर ले आओ। चल कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले आती हूँ। नीलिमा इतना बोलकर खुद ही पानी लेने चली जाती है और हिरन की अच्छे से मरहम पट्टी करती है और उस हिरन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या बहुत ही ज्यादा घमंडी और कामचोर थी। वह नीलिमा के किसी भी काम में उसका हाथ नहीं बटाती थी। कुछ ही दिनों की अच्छी देखभाल के बाद वह हिरन बिल्कुल ठीक हो जाता है।
एक दिन नीलिमा उस हिरन को घास खिलाते हुए बोलती है, हे प्यारे से हिरन, तुम ठीक तो हो ना? मुझे पता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो और अच्छे से चलने फिरने भी लगी हो। मैं आशा करती हूँ तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलो अब तुम घास खाओ, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अगले दिन नीलिमा जब नहाकर बाहर आई तो उसने देखा उसके सर के सारे बाल गायब हो गए। यह देखकर नीलिमा बहुत ही ज्यादा डर गई और वह रोने लगी। हे भगवान, ये मेरे बालों का क्या हो गया? मेरे बाल कैसे गायब हो गए? तभी वहाँ पर काव्या आती है और बोलती है, ओफो नीलिमा, अब तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही हो? ओहो नीलिमा, ये क्या हो गया? तेरे सारे बाल कहाँ गए? नीलिमा, मैं तुझे बताना ही भूल गई थी, वो मैं शैम्पू की बोतल में बाल हटाने वाली दवाई रख दी थी, कहीं तुमने उसे तो अपने बालों में नहीं लगा लिया? हे भगवान, अब क्या होगा? काव्या देख, आज तेरी वजह से मेरे सारे बाल टूट गए। तेरी इस लापरवाही ने मुझे जिंदगी भर के लिए गंजी बना दिया है। अब मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। नीलिमा मुझे माफ कर दे। नीलिमा ये ले, तू ये शैम्पू लगा कर देख, शायद तेरे बाल वापस आ जाए। बहुत ही अच्छा शैम्पू है, मैं कल ही बाजार से इसे लेकर आई थी। यह सब बाहर खड़ा हिरन सुन लेता है और नीलिमा को इस तरह रोता देख उस शैम्पू पर वह जादू कर देता है। कुछ देर बाद नीलिमा जब उस शैम्पू से बाल धोकर बाहर आती है तो उसके सर पर बहुत ही सुंदर सोने के बाल आ जाते हैं। यह देखकर काव्या हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे वाह नीलिमा, अभी तो तेरे सर पर एक भी बाल नहीं थे और ये एकदम से तेरे सर पर सोने के बाल कैसे आ गए? क्या कहा तुमने, मेरे बाल वो भी सोने के? हाँ नीलिमा, मेरी बात का यकीन ना हो तो खुद जाकर शीशे में देख लो। अरे हाँ, ये तो सच में मेरे सोने के बाल हो गए, पर कैसे? मेरे बाल सोने के कैसे हो गए? नीलिमा तुम अपने बालों को लेकर दुखी थी ना, इसीलिए। क्या ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वह हिरन एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है और बोलती है, नीलिमा तुमने मेरी खूब सेवा की है, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोने के बाल का वरदान दिया है। नीलिमा अब तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल सोने के हैं। अब से तुम अपने बालों को बेचकर अपनी जरूरतों का सारा सामान खरीद सकती हो और बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकती हो। काश नीलिमा की तरह मेरे बाल भी सोने के हो जाते। अपनी बहन को यूं उदास देखकर नीलिमा कहती है, परी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परी जी आपने मुझे जो वरदान दिया है, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ही ये वरदान आप मेरी बहन काव्या को भी दे दे, प्लीज परी जी। ठीक है, ऐसा ही होगा, काव्या के बाल भी अब सोने के हो जाएंगे। काव्या तुम भी जाकर उस जादुई शैम्पू को अपने बालों में लगा लो, लेकिन ध्यान रहे अगर तुम में से किसी ने भी किसी गरीब इंसान का दिल दुखाया तो ये सोने के बाल हमेशा के लिए तुम्हारे सिर से गायब हो जाएगा। ये बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद काव्या भी उस शैम्पू का इस्तेमाल करती है और उसके बाद उसके बाल भी सोने के हो जाते हैं। नीलिमा देख तो मेरे सोने के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरे बाल तो तुम्हारे बालों से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ काव्या, तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। काव्या लेकिन परी की बात को हमेशा याद रखना, अब से तुम किसी का भी दिल नहीं दुखाना वरना तुम्हारे ये सोने के बाल गायब हो जाएंगे। नीलिमा तुम अपने आप को क्या समझती हो कि तुम ही दुनिया की सबसे महान लड़की हो? अरे मुझे भी अच्छे बुरे की समझ है, समझी? तुम जाकर अपना काम करो। इतना बोलकर काव्या बाहर चली जाती है। बाहर हर कोई काव्या को बहुत ही हैरानी से देख रहा था, हर कोई उसके सोने के बाल की खूब तारीफ करते हैं। वहीं नीलिमा अपनी माँ के पास आकर उस हिरन वाली परी के बारे में सब कुछ बता देती है। कुछ दिनों के बाद कौशल्या के घर का सारा राशन खत्म हो जाता है। बेटी घर का सारा राशन खत्म हो गया है, इधर कई दिनों से मेरी लकड़ियाँ भी नहीं बिक रही, आखिर अब हमारा घर कैसे चलेगा?
तभी नीलिमा को उस परी की बात याद आती है और वो अपने बालों में से कुछ सोने के बाल तोड़कर अपनी माँ को देती है और बोलती है, माँ ये लीजिए, ये बाल बेचकर आप घर का सारा सामान ले आइए। अब से आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, ना ही अब से आपको लकड़ियाँ काटने जंगल में जाने की जरूरत है। अब बस आप घर में रहकर आराम करो। नीलिमा की माँ उस सोने के बाल को बेचकर घर का सारा सामान ले आती है और साथ ही वे लोग और भी गरीब लोगों की सहायता करती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या किसी की भी कोई मदद नहीं करती है, बल्कि वह तो अपने बालों को बेचकर अपने लिए नए नए कपड़े और मेकअप का सामान, शॉपिंग ये सब करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और खाने के लिए कुछ मांगती है। कुछ खाने को दे दो बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं बना है अम्मा, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, अब जाओ यहाँ से। तभी उधर से नीलिमा आती है। काव्या, ऐसे किसी को खाली हाथ अपने घर से नहीं भेजते, अब तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अम्मा आप रुकिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। और फिर नीलिमा फलों से भरी टोकरी उस अम्मा को दे देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नीलिमा हमेशा अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करती, जिसे भी पैसों की जरूरत होती नीलिमा अपने सोने के बाल बेचकर उसकी मदद किया करती थी। लेकिन काव्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। एक दिन काव्या मंदिर जा रही होती है, वहीं मंदिर के बाहर कुछ भिखारी बैठे होते हैं, जो काव्या को देखकर उनसे पैसे मांगते हैं। अरे बेटा मेरी मदद कर दो, मैंने दो दिनों से कुछ नहीं खाया और ना ही मेरे बेटे ने कुछ खाया है, भगवान के लिए थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेहरबानी करके मुझे कुछ पैसे दे दो। अब तुम जैसे भिखारियों को भी पैसे चाहिए? अरे मैं नीलिमा नहीं हूँ जो तुम सबकी मदद करती फिरूं। अगर नीलिमा की तरह मैंने तुम्हें अपने सोने के बाल दे दिए, फिर तो मैं जल्दी ही टकली हो जाऊंगी। चलो हटो यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। काव्या गुस्से से उस भिखारी को डांट कर वहाँ से चली जाती है। काव्या का इस तरह उस भिखारी का दिल दुखाने की वजह से उसके सिर के सोने के सारे बाल गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ नीलिमा आती है और अपनी बहन को देखकर हैरानी से बोलती है, अरे ये क्या, काव्या तुमने अपने सारे बाल क्यों कटवा दिए? क्या नहीं तो, अरे ये मेरे बाल को क्या हुआ, मेरे सोने के बाल कहाँ गए? काव्या को जब अपने बालों के गायब होने का पता चलता है तो वह समझ जाती है कि यह सब उसके बुरे व्यवहार की वजह से ही हुआ है। काव्या को अपनी गलती का बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वह हमेशा के लिए टकली बनकर रह जाती है। वहीं नीलिमा अपनी दयालुता और विनम्रता की वजह से खूब ख्याति प्राप्त करती है। गरीब विधवा माँ की अंधी बेटी की शादी। रजनी मंदिर से फूल बेचकर आती है तो देखती है उसकी माँ बर्तन धो रही है। माँ ये आप क्या कर रही हो, आप बर्तन धो रही हो ना, आपसे तो आराम किया ही नहीं जाता है, याद है ना वैद्य जी ने क्या कहा था, आपको आराम की सख्त जरूरत है। अरे बेटी मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर, हाथ पैर धो ले, मैंने रोटी बना दी है, सब्जी थी नहीं तो नहीं बनाई हूँ। कोई बात नहीं माँ, आपके हाथ की सूखी रोटी भी छप्पन भोग की तरह है, मैं सूखी रोटी ही नमक के साथ खा लूंगी। माँ ये लो आज की कमाई, आज पूरे 100 रुपए मिले हैं, कल इससे मैं आपकी दवाई और कुछ राशन ले आऊंगी। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह रजनी की माँ शकुंतला को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। रजनी अपनी माँ को दवाई देकर फूल बेचने चली जाती है। शाम को जब वो वापस आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, आ जाने में इतनी देर लगाती बेटी, तुझे पता है ना जब तू समय से घर नहीं आती तो मुझे तेरी कितनी चिंता होने लगती है। अरे मेरी प्यारी माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, मैं आपकी बहादुर बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं तो मंदिर में भगवान जी के साथ रहती हूँ, अब उनके रहते भला मुझे कुछ हो सकता है क्या। ये लो माँ आज की कमाई पूरे 200 रुपए। अगले दिन रजनी फूल बेचने जाने ही वाली होती है तभी उसकी पड़ोसन उर्मिला आती है। अरे ओ शकुंतला ये ले मिठाई खा और रजनी को भी दे। मिठाई पर किस खुशी में उर्मिला बहन?
अरे मेरी बेटी नैन्सी का रिश्ता तय हो गया है, इसी महीने में उसकी शादी है। बहुत ही अच्छा लड़का मिला है, शहर में कपड़े की दुकान पर मैनेजर है। हमारे तो भाग्य ही खुल गए बहन, बस एक ही चिंता थी। और देखो ऊपर वाली की दया से बहुत अच्छा लड़का मिल गया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। उर्मिला बहन, मेरी बेटी रजनी के लिए भी कोई लड़का बताना, अगर तुम्हारी नज़र में कहीं हो तो। रजनी की शादी? देख शकुंतला, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर तुझे धोखे में भी नहीं रखना चाहती। माना कि रजनी दिखने में बहुत सुंदर है और गुणवान है, लेकिन है तो आखिर अंधी ही ना, और अंधी लड़की से भला कौन शादी करेगा। और तेरे पास तो पैसे भी नहीं है, इसके लिए तो कोई उम्र दराज बाल बच्चे वाला या अपाहिज ही मिल सकता है। अगर कोई वैसा होगा तो मैं बताऊंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, रजनी बेटी तू भी मिठाई खा लेना। पड़ोसन सुबह सुबह फालतू में इतना ताना देकर चली जाती है, और ये सब रजनी के लिए कोई नई बात नहीं थी, उसे रोज ही ऐसा सुनने को मिलता था। माँ तुम्हारे रोने की आवाज ना यहाँ तक आ रही है, फिर से रो रो कर ना तुम अपनी तबीयत खराब कर लेना। माँ एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ? नहीं रजनी बेटी, तू क्यों मुझ पर बोझ होगी, तू तो मेरी जान है, हीरा है तू, लाखों में एक, तुझे ही तो देखकर जी रही हूँ मैं। लेकिन बेटी मुझे तेरी शादी की बहुत चिंता होती है, तू तो जानती है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस दुनिया में तू अकेली रह जाएगी। हे भगवान मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दो, ताकि ये अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश रहे। शकुंतला भगवान से अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन रजनी जानती थी कि उसके अंधेपन के कारण कोई भी उसे शादी नहीं करेगा, इसलिए उसने अपने मन को समझा लिया था। अब बस भी करो माँ, भगवान सब अच्छा ही करेंगे, अब मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। रजनी फूलों का टोकरी लेकर मंदिर के बाहर फूल बेचने लगती है, तभी मंदिर के पुजारी जी बाहर आते हैं। रजनी बेटी आ गई। बेटी मेरी बात ध्यान से सुन, आज गांव के सेठानी के घर पूजा है, उनके घर नई बहू आई है तो उन्हें मंदिर के लिए माला और ढेर सारा फूल चाहिए। मैंने सोचा किसी और फूल वाले को भेजने से अच्छा कि मैं तुझे ही भेज दूं, इससे तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। जा बेटी तू उनके घर जाकर फूल दे आ, तू अकेले तो चली जाएगी ना। हाँ पंडित जी मैं चली जाऊंगी, इस गांव के गली गली को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, बचपन से तो यहीं पली बड़ी हूँ, मुझे यहाँ के गलियों में जाने के लिए आंखों की रोशनी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हर गली याद है, मैं दे आऊंगी। पिछले साल मैं उनके जन्मदिन पर माँ के साथ उनके घर फूल देने गई थी। ठीक है बेटी फिर तू अभी निकल जा, मैं पूजा के वक्त ही अब उनके घर जाऊंगा। उसके बाद रजनी सर पर फूलों का टोकरी लिए सेठानी के घर पहुंचती है। सेठानी जी ने फूल मंगवाया था वही देने आई हूँ, कहाँ रखूँ? सेठानी जी और भैया जी किसी काम से बाहर गए हैं, तुम यहीं रुको और ये फूल मुझे दे दो, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। नौकरानी वो फूल लेकर रखने चली जाती है, तभी रजनी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये लो यही वो जहर है, इसे दूध में मिलाकर दे देना, ये पीते ही दोनों माँ बेटे आज ही भगवान के पास चले जाएंगे, उसके बाद ये सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी मतलब मेरी। हाँ आखिर ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए ही किया है, मैंने इस बेवकूफ चंदन को ऐसा बेवकूफ बनाया कि ये एक ही महीने में मुझे ब्याह कर ले आया, लेकिन उसे क्या पता ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। बस बस अब मैं चलता हूँ, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया फिर सब गड़बड़ हो जाएगा, और याद रखना ये काम आज ही हो जाना चाहिए, मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है, और नई बहू बाहर आती है तो रजनी को देखती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो पूजा के फूल देने आई थी। अरे ये तो अंधी है, चलो अच्छा है, चल अब जाए यहाँ से। जी पैसे? कितने पैसे हुए? 400 रुपए मालकिन। ठीक है ये ले पैसे और निकलो यहाँ से। रजनी पैसे लेकर घर आ जाती है, लेकिन वो ये सब सुनकर बहुत परेशान थी, उसे बार बार वही सब बात याद आ रही थी। हे भगवान मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। नहीं मैं सबको जानकर चुप नहीं बैठ सकती, मुझे हवेली पर जाना ही होगा, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। हे भगवान जी मेरी मदद करना, ताकि मैं सेठानी और उनके बेटे की जान बचा पाऊँ। उसके बाद रजनी अपनी माँ को सारी बातें बताती है, और फिर बिना समय गवाए दोनों माँ बेटी हवेली पर पहुँचती है। आपको किससे मिलना है? सेठानी जी कहाँ है? सेठानी जी? तभी उसका बेटा कमरे से बाहर आता है। कौन हो तुम और इतनी रात में माँ को क्यों बुला रही हो? आप ठीक तो है ना? आपने दूध तो नहीं पिया ना? और सेठानी जी कहाँ है? माँ तो अपने कमरे में लेटी हुई है।
उसके बाद रजनी सेठानी के बेटे चंदन को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वो माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है। उसके बाद चंदन पुलिस को फोन करता है। पुलिस नई बहू और उसके प्रेमी को पकड़ लेती है और इधर समय पर इलाज हो जाने की वजह से सेठानी की जान बच जाती है, जिसके बाद रजनी और उसकी माँ सेठानी से मिलने हॉस्पिटल जाती हैं। माँ, यही वो लड़की है जिसकी वजह से आज तुम्हारी और मेरी जान बची है। रजनी बेटी, तुमने आज हम माँ बेटे को नया जन्म दिया है। अगर समय पर तुम नहीं आई होती तो ना जाने कौन सी अनहोनी हो गई होती। जीती रहो बेटी। माँ जी, भगवान जी हमेशा किसी न किसी रूप में आकर अच्छे लोगों की मदद जरूर करते हैं, और कल आपके घर शायद उन्होंने ही मुझे भेजा था ताकि मैं ये सब अनहोनी होने से रोक दूं। ये सब भगवान की ही लीला है। तुम तो बहुत ही समझदार बच्ची हो। तुम्हारे जिंदगी में खुद ही इतना दुख है, फिर भी तुम दूसरों के बारे में इतना सोचती हो। मुझे तुम जैसी ही गुणी और संस्कारी बहू चाहिए थी। चंदन बेटा, क्या तुम्हें रजनी पसंद है? माँ, मैं पहले ही अपनी मनमानी करके बहुत पछता रहा हूँ। अब आपका जो फैसला होगा मेरे सर आंखों पर होगा। और रजनी तो बहुत ही नेक दिल लड़की है, अगर ये मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं। उसके बाद सेठानी बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे चंदन और रजनी की शादी करवा देती है। कहते हैं ना, अच्छा करने वाले के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करता है, और रजनी आज उसका एक जीता जागता उदाहरण थी। रजनी को उसके अच्छे कर्मों का फल मिला। चंदन और सेठानी रजनी को बहुत प्यार करती हैं। तभी एक दिन चंदन रजनी से कहता है, देखो रजनी, मुझे तुम्हारे अंधेपन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को देखो कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम आज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी। और फिर चंदन रजनी की आंखों का बहुत अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है, और फिर ऑपरेशन के बाद रजनी की आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है। अब रजनी की जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, और अपनी बेटी को खुश देखकर शकुंतला भी बहुत खुश होती है।